हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो जो राइट्स लिमिटेड, जो मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट के अंडर, उसमें कुछ वैकेंसीज निकले हैं आपको सीरियल नंबर 1 पे। यहाँ पे जो दिख रहा है, गेट 2020, गेट 2021 के स्कोर के आधार पे जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिस के वैकेंसीज निकले। ये तीन ब्रांच के लिए निकले। जिन जिन लोगों ने उस ब्रांच में गेट दिया है, वो लोग फॉर्म भर सकते हो। आपको डिटेल में मैं बताऊंगा अभी। इसका जो स्टार्ट डेट है वो 28 है, एंडिंग है 25, और आपको कंप्लीट नोटिस यहाँ पे मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक अवेलेबल है। तो ब्रांचेस जो एलिजिबल है वो है आपके सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। 25 वैकेंसीज है सिविल के लिए, 15 है आपकी मैकेनिकल और 8 है इलेक्ट्रिकल के लिए। ओके, तो डिवाइड करके यहाँ पे एसटी में कोई वैकेंसीज नहीं, सिविल और मैकेनिकल में, और इलेक्ट्रिकल में सिर्फ एक वैकेंसी। बाकी अपने कैटेगरी के हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है। बाकी जो भी एससी एसटी और ओबीसी का रिजर्व कैटेगरी का +3 और +5, वो एलिजिबल हो सकते हैं 35 या 33 तक। सिविल का जो आपका जो ग्रेजुएशन ब्रांच, ओके, गेट तो आपका सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में ही चाहिए। बाकी आपकी ग्रेजुएशन ब्रांच आपकी सिविल ही होनी चाहिए। मैकेनिकल वालों के लिए प्रोडक्शन भी चलेगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी चलेगा, ऑटोमोबाइल भी चलेगा, लेकिन आपका दिया हुआ गेट जो चाहिए पेपर, वो मैकेनिकल एमई में चाहिए। इलेक्ट्रिकल का भी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका इंजीनियरिंग हुआ है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुआ है और आपने गेट इलेक्ट्रिकल में दिया है, तो आप एलिजिबल हो। ओके, सो फाइनल ईयर सेमेस्टर स्टूडेंट्स आल्सो एलिजिबल, तो वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। ओके, लेकिन 60% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए 50% एससी एसटी वालों के लिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज रिलैक्सेशन तो मैंने आपको बता दिया है, ओके, ऑलरेडी। तो इसकी जो ये है सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। गेट पेपर तो मैंने तो बता दिया कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में ही चाहिए आपका। ओके, सो कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग द वैलिड मार्क्स आउट ऑफ 100 एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द सिलेक्शन। द मार्क्स विल बी वैलिड ओनली इफ कैंडिडेट्स ऑब्टेन मोर देन और इक्वल टू क्वालिफाइंग मार्क्स एज अ फिक्स 2020 या 2021। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स के फॉर्म आएंगे, उस हिसाब से वो क्वालिफाइंग मार्क्स लगाएंगे उनके। ऐसा नहीं कि आप गेट क्वालिफाई है तो आपको श्योरली कॉल आ जाएगा, खुद उनका एक आपको कट ऑफ लगेगा। ओके, तो कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वन आउट ऑफ गेट 2020, और ऐसा भी हो सकता है कि 20-21 दोनों में लोगों ने क्वालिफाई किया, बहुत से लोग होते हैं। तो जिसमें आपके अच्छे मार्क्स से, वही से आप भर सकते हो, दोनों से नहीं भर सकते हो, क्योंकि शॉर्टलिस्ट तो आप जहाँ पे ज्यादा मार्क्स है वही वही से होगा। ओके, तो दोनों मत भरो। ओके, सो क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स। ओके, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो भी टॉप, जो भी उनके रेशियो के हिसाब से वो लोग कट ऑफ लगाएंगे, उसके जो भी स्टूडेंट्स आगे होंगे उनको कॉल किया जाएगा, उनको मेल किया जाएगा और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। गेट के मार्क्स में आपके 75% डिपेंड है वैटेज, और 25% आपके इंटरव्यू पे है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको गेट का स्कोर भी अच्छा होना चाहिए और आपका इंटरव्यू भी एवरेज से अच्छा ही होना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। प्लीज नोट दैट ओनली गेट 2020 एंड 21 इज वैलिड, बाकी के नहीं है, 19 के लोग नहीं कर सकते। ओके, तो नेचर ऑफ पीरियड ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पे स्केल वगैरह दी है। ओके, अच्छा है, बहुत अच्छा जॉब है जीईटी राइट्स में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ओके, इसका जो फॉर्म फिलअप का फी है वो 600 रुपये, और एस सी एस टी के लिए और बाकी ईडब्ल्यू एस पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये फीस है। आप फिलअप कर सकते हो फॉर्म के टाइम पे, आपको 600 और 300 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। यस, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करते हैं, उनको अप्लाई करना है rights.com पे। वो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके सिर्फ चेक कर सकते हो और आपको अप्लाई करना है सिर्फ। ओके, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने पुट अप कर दिया है लिंक। बाकी चीज़ें ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स, आप रेडी रखो। ओके, सो ये आपको अलॉन्ग विद द इंटरव्यू, मतलब आपको जब बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो आपको ये पूरा लगेगा। आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आप प्रिंट आउट निकाल के रख दो, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पे लेके जाने हैं और ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। ओके, नो डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट प्रेजेंट। आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग होगा और सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तब आपके पास ओरिजिनल और सारे फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, ये याद रखो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अभी से प्रिपेयर करके रखो। ओके, बाकी एज का क्राइटेरिया बाकी सारी चीज़ें बता दिए, टीएडीए कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, वैकेंसीज भी वैरी कर सकती है, ये पूरा उनके ऊपर डिपेंड है।
तो जल्दी जल्दी अप्लाई करो। 25/8 इसकी लास्ट डेट है, डेट ऑफ सिलेक्शन नोटिफाई लेटर। जब भी उसका कुछ आ जाएगा ये चैनल पे आपको मिल जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन भी मैंने ये चैनल पे पोस्ट कर दिए है, प्राइवेट गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्टर्स के जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं ऑफिशियल, वो आपको पूरे ये चैनल पे मिल जाएगा। ओके, सिलेबस या फिर कोई भी चीज़ आपको अगर नीडेड है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आपको ये चैनल पे पूरा मिल जाएगा। ओके, अगर आपकी कोई क्वेरी है राइट्स के लिए तो आप यहाँ पे, उन्होंने एक मेल आईडी दी है तो आप इस हिसाब से उनको भेज सकते हो। ओके, तो यस, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ताकि जो भी नए रिक्रूटमेंट्स आएंगे आपके तक पहुंचते रहेंगे। हिट द बेल आइकन ताकि तुरंत ही वो नोटिफिकेशन आपको आ जाए, तो ऐसा ना हो कि आपका वो फॉर्म रह जाए। अच्छी अपॉर्चुनिटी छूटने के चांसेस बहुत है। तो यस, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और कमेंट करो अगर कोई क्वेरी है तो। सो ऑल द बेस्ट। बाकी नोटिफिकेशन का लिंक डिटेल में मैंने आपको डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके चेक करो और डायरेक्टली फिलअप करो फॉर्म। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।